और शायद दिल पक्की समझो यस अभिषेक डेफिनेटली और थैंक्स अभिषेक तुम्हारे सपोर्ट के लिए अरे थैंक्स ही क्या बात है अभी तो हम पार्टनर हैं तुम्हारे यहाँ बनने वाली हर चीजों का ऑप्शन अब मेरी कंपनी करेगी इसमें से 30% मेरा और 70% तुम्हारा होगा यही तो अपनी डील है लेकिन हर्षद एक बात पूछनी थी ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से एक्चुअली रुपेश ये बहुत पुरानी स्टोरी है तकरीबन 15-16 साल पुरानी जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था तू आजकल टिफिन ही नहीं खाता आज पूरा का पूरा टिफिन खा के आना कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए वरना बहुत पिटूंगी पर माँ के इतने कहने पर भी पूरा टिफिन नहीं खाता था पर माँ का डर भी लगता था फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और घर जाने से पहले मैं पूरा टिफिन कचरे में फेंक देता था अब मुझे मां की डांट से बचने का रास्ता मिल गया था और मैं हर रोज टिफिन कचरे में डालने लगा दिन जाने के बाद फिर एक दिन मैं चॉकलेट ढूंढने के लिए वापस गया तो मैंने देखा कि मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा था बार बार मुझे वो बूढ़ी औरत याद आ रही थी
खाने के बाद उस औरत ने बताया कि वो हमारे ही एरिया में रहती थी, पर उसके बहू बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पर बेटे को देखने के लिए वो वहीं पे घूमती रहती थी। जो मिले वो खाती थी, उसी पे जिंदा रहती थी। और फिर उस दिन से मैंने सोचा कि ऐसे कितने लोग मेरे आसपास होंगे जिनकी ऐसी हालत होगी। फिर उसके बाद मैंने ये संस्था बनाई, आधार सेवा संस्था, और फिर यहाँ पे ऐसे लोगों को मैं फ्री खाना फ्री रहने की सुविधा देना चाहता था। और फिर इन्हीं लोगों ने कहा कि इनको फ्री का खाना फ्री का रहना भी एक सामान लगता था, और उनमें से कुछ लोग काम करना चाहते थे और कमा के खाना चाहते थे। और उनकी उम्र के हिसाब से उनको मैं काम देना चालू किया, और वही चीज़ें बेचकर जो पैसा आता है उन पैसे से वो लोग रोजमर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। मेरे संस्था में 300 लोग ऐसे जिनका दुनिया में कोई नहीं है, और उनको उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। अजी अजी तुम्हें चुपता है अजी रुपेश एक मिनट। अगर एक छोटे बच्चे की सोच इतना सब कुछ बदल सकती है तो आप और हम मिलके क्या नहीं बदल सकते। हर्षद अब डील चेंज हुई है, अब 0% मेरा 100% तुम्हारा, इतना तो कर सकता हूँ ना दोस्त। एट सब कहते हैं कि दुनिया कभी नहीं बदलती, खुद को बदलो आपको दिख जाएगा कि दुनिया अपने आप बदल गई है। अगर आप और हम मिलके इतना भी सोचे कि आज हम एक आदमी को तो भूखा सोने नहीं देंगे, तो शायद इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस दुनिया में भूख और गरीबी की वजह से 49,257 लोग मरते हैं हर रोज़।